बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग अभी नाला सुपारा स्टेशन में, नाला सुपारा से जाने वाले दादर और दादर से जाएंगे बदलापुर और नाइट आउट हम लोग करने वाले हैं ट्रैवल। बहुत ही मजा आने वाला है, तो यार वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। से हाय। हाय। ये सब हमारे साथ है और बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और ये देखो, ये है अभी हम लोग 11:04 की ट्रेन है और 11:04 की ट्रेन पकड़ने वाले, तो ये ट्रेन है गाइस, अभी हम लोग इसी ट्रेन में बैठने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तुरंत नहीं, कम से कम एक घंटा लगेगा, दो घंटे लगेगा। एक तो गाइस अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और बहुत ही देखो ट्रेन अभी बहुत खाली पड़ी हुई है और आगे चलेंगे। अभी दादर में सोचते थे क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग बहुत कम है। आपको शादी में जाके कैसे लगा? तो शहबाज भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? और आपको तो बहुत मजा आएगा, तो पानी पूरी अनलिमिटेड खाने और पानी। और हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल और सिटी को जाके सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे फॉलो करो। आपको कैसा लगा? ओ गूंगे हैं। आपको कैसा लगा? और आपको कैसे लगा? और ये जो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो भाई शादी में जाके ना बहुत ही मजा आया, लेकिन बहुत दूर है यहाँ से कम तो हमारे इधर से 2 से 2.5 घंटे में जाने में लगता है, यहाँ से जाने में लगता है और बहुत ही मजा आएगा, तो चलते हैं। हम लोग मेरा रोड पहुंच चुके हैं और दादर पहुंचेंगे कम से कम 1 घंटा और लगेगा। और दादर 12:42 की दादर से ट्रेन है, बाकी लोकल कर जस्ट 28 हो रही है और दादर से जो ट्रेन है वो पहुंचाएगी 2:10 की रहेगी, जो कि हमको बदलापुर लगभग 1:30 बजे तक पहुंचाएगी। 3 बजे नहीं नहीं पहुँचाएगी और बहुत ही मजा आएगा यार। तो दादर अब सब लोग जितने भी सब जाएंगे बदलापुरी, वहाँ से कले लोग आएंगे। तो गाइस अभी हम लोग दादर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और बज रहा है 12:17 हो रहा है और जैसे कि ये ट्रेन अभी हम लोग इस ट्रेन से उतरे हैं, अभी इधर से हम लोग जाएंगे दादर से जाएंगे अभी वेस्टर्न में, तो अभी सेंट्रल लाइन में जाएगा और सेंट्रल लाइन से हमको 12:47 की ट्रेन पकड़ना है और उसके बाद कर्जत ट्रेन है हम लोग उधर से बदलापुर, जो कि 2:20 तक रहने वाली है, तो 2:20 हमको बदलापुर पहुँचाएगी। तो आइए चलो अब आगे चलते हैं। एक्सीलेटर है और एक्सीलेटर हम लोग स्टेशन से अभी वेस्टर्न में थे तो अभी सेंट्रल जा रहे हैं, जो कि आगे धीरे धीरे चल रहे हैं। सब लोग फटाफट आओ और धीरे धीरे हम लोग आना चालू है। अरे ट्रेन नहीं है, ट्रेन हो तो चर्च गेट बोला है, अभी 12:47 की ट्रेन है अपनी। तो यार अभी हो रहे हैं 12:22 और 12:47 की ट्रेन हमको पकड़ना है और दादर स्टेशन पे यार बहुत मज़ा आ रही है क्योंकि इतनी रात में काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। इससे पहले जब मैं मैच देखने गया था वानखेड़े स्टेडियम में तब आया था और आज के दिन तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। फाइनली दादर स्टेशन बहुत ही अब एकदम कुछ बहुत ही कम के बावजूद आप गर्दी देख सकते हो, कितनी गर्दी यहाँ पर है 12:30 के बाद भी, और जैसा आप देख सकते हो अब ट्रेन जो हमारी अब तक लगी नहीं है और कुछ ही टाइम में लग जाएगी।
और यहाँ पर गर्दियाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादा कि वेस्टर्न था वो, वेस्टर्न से हम लोग सेंट्रल में आ चुके हैं। और चलो अगर खाली नहीं रहेगा तो भी इतने ही ट्रेन है लेकर आगे, इसी पे तो लगी हुई है रे। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, चलो गई हो गया ना, गई गई काम करना। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, चल भाई यार ऐसा क्या है, ये भी भीड़ है। हाँ भाई दादा बहुत जगह, और दादा हमें स्टेशन पे चढ़ के ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में बैठने के बाद अम्बरनाथ ट्रेन पकड़े, गजट ट्रेन बहुत देर थी और ये अम्बरनाथ एक स्टेशन आ गई बदलापुर है, तो अम्बरनाथ जाके वहाँ पे बैठेंगे, लेकिन फिलहाल आराम से इधर बैठ गए क्योंकि उसमें गर्मी रहती गजट, अभी हम लोग आराम से बैठने को मिल गया, अभी चलते हैं आगे। गाइज आगे का मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि चार्जिंग खत्म हो गई थी अम्बरनाथ की ट्रेन में, हमने बैठा दादर से जैसी थोड़ा आ गया ना वैसी चार्जिंग खत्म हो गई मोबाइल की और मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। उसके बाद मैं अम्बरनाथ पहुँचते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो हम लोग घर तक पहुँचते 3:30 बजे थे, अम्बरनाथ ट्रेन उतरा उधर हमको 45 मिनट इंतजार करना पड़ा क्योंकि ट्रेन ऑलमोस्ट 30 मिनट लेट थी। उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठे बदलापुर पहुँचते 3:10 तक हो गए थे, उसके बाद हम घर तक पहुँचते 3:25-3:30 यानी कि 3:30 बजे तक पहुँचे, उसके बाद सो गए 4-4:30 बजे सोए, उसके बाद उठते उठते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो फिलहाल अभी हो चुकी है शाम, तो मैं सोचा शूट कर लेता हूँ, तो यार बहुत मज़ा है लेकिन शादी में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और फिलहाल अभी शाम हो चुकी है और शाम को यहाँ पर आके पहाड़ पे आया हूँ, तो जैसा कि यहाँ का थोड़ा सा आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।